गिरिडीह और धनबाद को जोड़ने वाले पुल निर्माण स्थल को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहा है समर्थन और विरोध का खेल। बताया गया कि इस मामले को लेकर बुधवार को जहां गांडे प्रखंड अंतर्गत ताड़ाताड़ पंचायत की यमुना मंडल और सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में भलपहरी गांव के दर्जनों ग्रामीण भलपहरी और धनबाद जिले के जताखुंटी पंचायत के गुलियाडी गांव को जोड़ने वाली बराबर नदी घाट पर पुल बनने को लेकर समर्थन देते नजर आए। वहीं दूसरे पक्ष गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडरी के दर्जनों ग्रामीण व धनबाद जिले के जटाखुंटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि व उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मीना हेमरम पलकिया और गुलियाडी गांव को जोड़ने वाली बराबर नदी घाट पर पुल बनने को लेकर हो हल्ला करते नजर आए। जहां पहला पक्ष के लोगों का कहना है कि इस पुल निर्माण को लेकर गुलियाडी और भलपहरी नदी घाट पर सर्वे हुई है और पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा कार्य को बाधित किया जा रहा है। इन ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थल का सर्वे हुआ है पुल उस स्थल पर ही बनना चाहिए और इसी के समर्थन में हम लोग आज यहां जमा हुए हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत दूसरे पक्ष के ग्रामीणों का कहना है कि पुल बनने के लिए गुलियाजी और पलकिया नदी घाट का चयन हुआ था, पर सर्वे टीम ने युक्त स्थल का सर्वे न कर भलपहरी और गुलियाजी नदी घाट का सर्वे कर दिया, जिससे यहाँ न पुल बनकर उस स्थल पर पुल बन रहा है। इन ग्रामीणों का कहना है कि भलपहरी और गुलियाजी नदी घाट पर अगर पुल बनेगी तो एक से दो गांव को लाभ मिलेगा, जबकि यह पुल पलकिया और गुलियाडी नदी घाट पर बनेगी तो 40 से 50 गांव को इसका फायदा मिलेगा और यहां से गिरिडीह की दूरी भी वहां की अपेक्षा से कम होगी। पुल वहां ना बनकर पलकिया और गुलियाडी नदी घाट पर ही बने, इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर पहला पक्ष से जहाँ उज्जवल पंडित, राजेश मंडल ताड़ाताड़ मुखिया प्रतिनिधि, राजकुमार तुरी, बबलू मंडल, अजय पंडित, शुभम गुप्ता, मुरली यादव सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। वहीं दूसरे पक्ष से सिंटू, कपिश्वर, चंदन गुप्ता, राहुल गुप्ता, सरजू यादव, अनुज यादव, उमेश यादव सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। मंदिर के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। बड़ाकर का पुल गुलियाडी और पलकिया घाट को लेके यहाँ के करीबन 30-40 गांव हैं और ये पुल दो जिला को जोड़ने का काम कर रही है और जिसमें 30-40 गांव का सुविधा भी होगी और यही वजह से आज हम लोग दोनों जिला के, दोनों प्रखंड के ग्रामीण, यहाँ के हमारे जताखुट्टी के मुखिया, यहाँ के जिला परिषद, हम लोग सब बैठे हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ ग्रामीणों को जो सुविधा होगी उस सुविधा के अनुसार गुलियाडी और पलकिया घाट का निर्माण किया जाए। कि ये भलपहरी और गुलियाडी के मेन मार्ग पर पुल बनेगा और ये दूरी से उधर राजगंज से रूट जो भी आती है फतेहपुर तरफ से ये जोड़ती है, ये रूट भलपहरी ताराटांड इधर के लिए साहेबगंज के लिए रूट मेन रूट मार्ग पास होगा, ही बन जाएगा तो सुविधा बहुत लोगों के लिए काफ़ी होगा। तो हमारे इस गुलियाडी और भलपहरी के बीच होते हुए जैसे भलपहरी हो गया, ताराटांड हो गया, बुचादो हो गया, अगर इधर से मेन रोड निकला हुआ है गांडे होके फिर गिरिडीह मुख्य मार्ग पड़ता है, सामने धनबाद के मुख्य मार्ग पड़ती है, इसके बाद सामने एम्स है, रेलवे स्टेशन फिर सामने पड़ेगा, इसलिए यही फायदा, जामताड़ा भी सामने है यहाँ से पड़ेगा, बस यही है, इसलिए हम लोग सभी यहाँ पास क्यों हुए। यहाँ कुछ बिचौलिया सब इस पुल को रोकने के लिए, रोकने का प्रयास कर रहा है, उसका हम लोग जो यहाँ कर्मी काम कर रहा है उसके सपोर्ट में हम लोग सब ग्रामीण जमा हुए हैं ताकि अगर कोई यहाँ रुके तो हम लोग उसको काम को रुकने नहीं देंगे, सब ग्रामीण लोग उसका सपोर्ट में खड़ा है। कारण है ये है कि यहाँ पे गुलियाडी भलपहरी में एक पुल निर्माण का काम शुरू हुआ है तो यहाँ पे कुछ लोग जो है इस पुल को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कराने के लिए आ रहे हैं, बाधित काम में बाधित डाल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पुल वहाँ बने, जब यहाँ पे पुल पास हो चुका है तो यहाँ पे ना बनेगा तो दूसरा जगह कैसे बनेगा पुल, इसलिए हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं और हम लोग जो भी इसमें लगे हुए हैं, जो भी बिचौलिया है या फिर जो भी बेकार के लोग इसमें डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, उन लोगों को कहना है कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा तो हम वहाँ नहीं बनने देंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि जिस जगह पे पुल सर्वे में पास हुआ है वहीं बने, बस इस पर बचाव के लिए आए हुए हैं, ये पुल कहीं दूसरा जगह ना जाए। अपना परिचय देना चाहेंगे, मेरा नाम सर पी एम राम है और ग्राम पंचायत जताखुंटी का मुखिया प्रतिनिधि हो गए। तो आज हम लोग गुलियाडी के इस बजरंगबली मंदिर के चबूतरा में जो बैठे हैं, इसका मुख्य विषय है जो अभी हाल ही में यहाँ पुल बनने के लिए सर्वे टीम आई थी, लेकिन वो सर्वे जहाँ पहले मांग किया जा रहा था उस जगह ना होके अभी थोड़ा सा 1 किलोमीटर नीचे में हो रहा है।
जिससे यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के पूर्वजों ने बरसों से पलकिया गुलियाडीह के घाट के नाम से पुल की मांग की थी और जब आज पुल बनने जा रही है तो वो पुल वहाँ ना बन के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे बनने जा रहा है। उससे लगभग वो पुल अगर गुलियाडीह पलकिया घाट में बनती है तो वो सीधे पंडरी को जोड़ेगी और वो वहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी, जो कि भलपाड़ी अगर भलपाड़ी गुलियाडीह घाट पर बनता है तो वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसलिए आज हम लोग इसी के विषय में बैठक कर रहे हैं और यहाँ के सभी लोगों को ग्रामीणों का कहना है कि वो पुल गुलियाडीह पलकिया घाट में बने और हम लोग का मांग भी है कि जहाँ जनता को सुविधा हो, जहाँ सबको मैंने आसानी से आने जाने की सुविधा हो, पुल का निर्माण वहीं होना चाहिए और हम लोग इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। तीन आज एक ग्राम सभा का आयोजन जो है गुलियाडीह का ग्राम में बजरंगबली मंदिर के सामने किया गया और ये ग्राम सभा इसलिए किया गया क्योंकि गुलियाडीह और पलकिया के घाट पर एक पुल का निर्माण करना था। पुल पास हुआ था और जब सर्वे का टीम आया तो जो है 1 किलोमीटर गलत एरिया में चला के जाके जो है सर्वे कर दिया और सर्वे हो गया और काम भी वहाँ पर चालू हो गया और यही मतलब जो है सो हम लोग यहाँ पे जो इसको जो सही स्थान पर बने और सही स्थान पर ज़्यादा लोगों को फायदा हो, मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वहाँ पे बनता है तो 2 ग्राम को फायदा होगा और यहाँ पे बनता है तो लगभग 40-50 ग्राम को जो सो फायदा होगा और यहाँ से अगर यहाँ पुल बनता है तो लगभग गिरिडीह 17 किलोमीटर पड़ेगा और वहाँ बनता है तो गिरिडीह 25 किलोमीटर पड़ेगा। तो पुल यही वैसा जगह पर बनना चाहिए जहाँ से सब कुछ फायदा हो और इसको जो सफल बनाने के लिए यहाँ के जिला परिषद और यहाँ के स्थानीय मुखिया भी यहाँ पे साथ दिए और इसको सफल बनाया और सरकार से यही मांग करते हैं कि पुल जो है सही स्थान पर बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को फायदा पहुँचे। जी बिल्कुल, हम लोग इस बात पर सहमत हैं, सही जगह पर ही बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी महंगे पेट्रोल से मुक्ति, 32 वर्ष पुरानी विश्व प्रसिद्ध कंपनी ओकाया द्वारा बहुत ही दमदार और उच्च तकनीक से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में उतारा गया है। एक बार फुल चार्ज करने पर यह अधिकतम 140 से 160 किलोमीटर चलती है, वो भी 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। ओकाया स्कूटर कई मॉडल, आकर्षक लुक और कई रंगों में उपलब्ध है, तो उच्च तकनीक से लैस ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि स्टाइल भी और बचत भी, मतलब फायदे का सौदा। तो इन त्योहारों में घर ले आए ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओकाया स्कूटर के शोरूम का पता साहू ईवी जोन मिशन के सामने बिशनपुर पचम्बा मेन रोड गिरिडीह।